हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट थर्ड है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका ही हम सेकेंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में यह समझ लिया था कि हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होते हैं, इनके लिए हमने कुछ नॉमिनिक्लेचर्स पर भी बात किया था और वो नॉमिनिक्लेचर्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि हम उन्हीं खास कंपाउंड्स का ही उपयोग करेंगे जो हमारे रिएक्शंस के अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, उनके भी लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सारी चीज़ों का नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक वो आपको बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, हमने अभी समझा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होते हैं, तो अब यहाँ पर सुनिएगा और अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में अपने जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लें जिससे हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे कीटोन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान देते हुए चलिएगा और चीज़ों को सुनिए। ठीक है, इससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और क्लियर कर देता हूँ। मैं पिछले लेक्चर में यह बता रहा था कि अगर हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 है, ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम था उसे मैंने लिखा था कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसीटोन। ठीक है, ये मैं आपको बताया था। एंड इसका अगर आईपीएससी नेम पर हम बात कर रहे थे तो इसका आईपीएससी नेम था हमारे पास तीन कार्बन की वजह से इसे हम प्रोपेन लिख रहे थे और इसमें ई को हम रिप्लेस कर रहे थे ओन से। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह रहे थे कि ये प्रोपेनोन है। ओके, लेकिन मैं एक बात और बताना भूल गया था जो इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। इसी कंपाउंड को ही हम एक और नाम से जानते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास कॉमन नेम है। ठीक है, ये हमारे पास आईयूपीएससी नेम है और इसी का ही एक और नाम होता है, दो मेथिल होने की वजह से इसको हम कहते हैं डाईमेथिल। ठीक है, एंड यहां पर हमारे पास कीटोन ग्रुप है तो इसलिए इसको हम कहते हैं डाईमेथिल कीटोन। और यह जो नाम है यह एक एक कॉमन नेम ही है लेकिन इसे हम हिस्टोरिकली कॉमन नेम कहते हैं। इसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि अब इसका हम बहुत कम उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले ही क्लास में यह भी देखा था कि हमारे पास डाई एथिल ग्रुप थे तो इस वजह से उसको हम कह रहे थे डाई एथिल कीटोन, वैसे ही इसको ही हम डाईमेथिल कीटोन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब रिएक्शंस की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक और पॉइंट समझ लीजिए। देखो बच्चों, हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, उसके अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ही दिए गए हैं जो जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन उन सभी मेथड को हम फिलहाल स्किप करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट लेवल पर हम पढ़ चुके होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल मेथड्स के बारे में, दूसरा हम पढ़ते हैं कि डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स क्या होता है, उम्मीद करता हूँ याद होगा, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि हमारे इस लेवल पर वो सभी रिएक्शंस नहीं पूछे जाते, और तीसरा हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होता है कि हाइड्रोकार्बन्स का हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं या फिर एल्काइन्स का हम डिहाइड्रोजिनेशन कर देते हैं तो भी हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभी आपको तीन चार मेथड बताया है ये एक कॉमन मेथड है जिसकी सहायता से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेथड होते हैं जिस मेथड की सहायता से हम केवल या तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं या तो केवल कीटोन्स का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और एक बात और मैं समझा देता हूं कि हम क्यों इस चैप्टर के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन्स को एक साथ पढ़ते हैं। ये तो सोचने वाली बात है ना, क्योंकि हम एल्डिहाइड्स को तो अलग पढ़ सकते थे, कीटोन्स को अलग पढ़ सकते थे, लेकिन इन दोनों में, इन दोनों कंपाउंड में ही हमारे पास एक कॉमन ग्रुप है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसकी वजह से इनके लगभग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनके प्रॉपर्टीज लगभग सेम होते हैं, इसकी वजह से हम दोनों को साथ में ही पढ़ते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर चलिए एक एक करके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हम बात कर लेते हैं। ओके, तो जो हमारे पास एग्जाम में आ सकता है, जो हमारे सिलेबस में है, उन्हीं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला आप लोग हेडिंग दीजिएगा रोजन मंड, ठीक है, रिडक्शन या रिएक्शन भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रिडक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा, रोजन मंड रिडक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हमारे पास रिएक्शन है जो कि आप सभी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पहले सेंटेंस लिख देता हूँ, उसके बाद रिएक्शन को समझाता हूँ, सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो रोजन मंड रिडक्शन यह कहता है कि व्हेन, ठीक है, व्हेन एसिड क्लोराइड, ओके, व्हेन एसिड क्लोराइड, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं एसाइल क्लोराइड, ठीक है, इज रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, तो रिड्यूस्ड बाय पैलेडियम, ठीक है, क्या है पैलेडियम, यानी कि पीडी, ठीक है, जिसे हम कहेंगे पीडी। तो हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड बाय पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर ऐसे मैं लिख देता हूं, ऑन बेरियम सल्फेट, ठीक है, तो बी ए एस ओ फोर, ठीक है, ये क्या है बेरियम सल्फेट, पॉइजन्ड बाय, यहां पर मैं लिख देता हूं पूरा सेंटेंस, नहीं तो आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पॉइजन्ड बाय, यहां पर मैं सल्फर लिख सकता हूं। ठीक है, वैसे सल्फर के जहां पर हम क्विनोलिन का भी उपयोग कर सकते हैं, चलो इसे रहने देते हैं, वैसे आप लोग बस जानते रहिए कि सल्फर के जहां पर हम क्विनोलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यह क्या करता है, यील्ड्स, तो इस प्रकार हमारे पास प्राप्त होता है एल्डिहाइड, ठीक है, क्या प्राप्त होता है एल्डिहाइड हमारे पास मिलता है। अब ये कैसे होता है पूरा रिएक्शन, आइए बात करते हैं, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, समझने वाले पॉइंट्स भी हैं यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम एक एसिड क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, पहले मैं जनरली समझा देता हूँ, उसके बाद आप सभी को नोट्स के तौर पर चीज़ें लिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो अगर हम एसिड क्लोराइड लेते हैं, एसिड क्लोराइड मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास एक एसिड है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास CH3 है, देन हमारे पास C है, देन हमारे पास यहाँ पर COOH होता है, तो ये हमारे पास एसिड होता है। अब यहाँ पर क्लोराइड क्लोराइड है, यानी कि क्लोरीन हमारे पास ग्रुप आएगा, तो वह क्लोरीन ग्रुप OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर Cl लग जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है एक एसिड क्लोराइड है। तो इस एसिड क्लोराइड में मैं CH3 को हटा देता हूँ और यहाँ पर हम एक एल्किल ग्रुप अगर उपयोग कर लेते हैं, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, या फिर यहाँ पर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस सिचुएशन में इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, किससे, पैलेडियम से रिएक्शन कराते हैं, यानी कि PD, और यह जो पैलेडियम से रिडक्शन हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हम इसमें बेरियम सल्फेट का भी उपयोग करते हैं और इस सिचुएशन में हम इसको पॉइजन कर देते हैं, ठीक है, पॉइजन्ड बाय सल्फर या क्विनोलिन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर इसको हम सल्फर के द्वारा क्या कर रहे हैं, पॉइजन कर दे रहे हैं, यानी कि इसकी जो जो इसका पावर है उसको हम कम कर दे रहे हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि यह एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है, इसके पीछे का भी रीजन समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि क्या हो रहा है पूरे रिएक्शन के दौरान। होता यह है कि जब हम एसिड क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास COOH ग्रुप है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है, और मैंने आप सभी को पिछले सेमेस्टर्स में यह बताया है कि अगर हम केवल और केवल पैलेडियम का उपयोग करते, ठीक है,
तो जब यह पैलेडियम का हम उपयोग करते हैं तो यह जो कीटोन ग्रुप होता है यह डायरेक्ट किस में रिड्यूस्ड हो जाएगा, यह एल्कोहल में रिड्यूस्ड हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं एक एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन को रोकना चाहता हूं, इसलिए यहां पर हम बेरियम सल्फेट का भी उपयोग करते हैं और इस पूरे सल्यूशन का हम जो स्ट्रेंथ होता है, जो पावर होता है, उसको घटाने के लिए हम इसको सल्फर से क्या कर रहे हैं, पॉइजन कर दे रहे हैं, यानी कि उसकी क्वांटिटी, उसकी जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज करा दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यह रिएक्शन जाकर एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है, यह अल्कोहल तक रिएक्शन नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, हमने फिफ्थ सेमेस्टर में भी यानी कि पिछले सेमेस्टर्स में भी इन चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में समझा है। ओके, तो यहां पर अब यहां पर एक और चीज नोट करिएगा, एक और चीज नोट कर लीजिए, क्या नोट कर लीजिए कि व्हेन एसिड क्लोराइड इज पार्शियली, यहां पर मैं एक वर्ड उपयोग कर रहा हूं, पार्शियली, ठीक है, यहां पर क्या होता है, यह जो पूरा रिडक्शन हो रहा है यह पूरा रिडक्शन पार्शियली होता है। इट मींस दैट कि हमारे पास जो एसिड क्लोराइड है वह एल्कोहल में नहीं कन्वर्ट हो रहा है बल्कि आधे रिएक्शन पर ही जाकर रुक जा रहा है और इस वजह से यहां पर एल्डिहाइड हमें मिल रहा है और यह जो एल्डिहाइड होगा वह कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। अगर यहां पर हमने R उपयोग किया है तो RCHO के फॉर्म में हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर एक और पॉइंट नोट करिएगा कि ये जो हमारे पास यह जो हमने कैटालिस्ट उपयोग किया है, ये जो हमारे पास कैटालिस्ट है, ठीक है, इस कैटालिस्ट को ही हम कहते हैं लिंडलॉर्स कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है। वैसे ये आपके लिए कोई उपयोग नहीं है खास इसका, लेकिन मैं इसे बता देता हूं कि इसका ये नाम भी होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ चुके हैं पूरा रिएक्शन कैसे हो रहा है। एक एसिड क्लोराइड हम उपयोग करते हैं, उसमें हम बेरियम सल्फेट के द्वारा, सॉरी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसका रिडक्शन करा रहे हैं। तो यह जो हमारे पास रिडक्शन होता है या पार्शियली रिडक्शन होता है, इस वजह से हमारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर चीजों को समझने का अगर प्रयास करते हैं, तो लेट अस सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया CH3 एंड यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर हमारे पास Cl है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका हम करा रहे हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन करा रहे हैं यानी कि H2O का हमारे पास एडिशन होगा और जब H2O शायद मैंने बोल दिया है H2 का एडिशन होगा। तो अगर H2 का एडिशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो ये भी आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। और एक पॉइंट और सुनिएगा, इसी रिएक्शन को हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो हमारे पास रिएक्शन है, यह हमारे पास है रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, ठीक है, या फिर एसाइल क्लोराइड, या फिर रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, या फिर रिडक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड भी कहा जा सकता है। तो दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अब हम जब इसका रिडक्शन करा रहे हैं लिंडलॉर कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो इस सिचुएशन में ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम इस क्लोरीन को पकड़ता है और यहाँ पर HCl बनाते हुए बाहर निकल जाता है एंड हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर हमारे पास बचता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H हमारे पास मिल जाता है। और ये जो हमारे पास कंपाउंड मिला है इसको ही हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड तो है ना, ये हमारे पास है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। या फिर इसी को ही आप क्या कह सकते हैं, दो कार्बन की वजह से इसको हम कहते हैं एसिटल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अगर IPSC नेम लिखना चाहते हैं तो एथेन कहते हैं और एथेन में ई को हटाएंगे अल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एथेनल, ठीक है। और अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास नाम हो जाएगा क्या, यहाँ पर दो कार्बन है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे AC, ठीक है, यहाँ पर हम एथेन लिख देते हैं, ठीक है। अगर इसका हम नाम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड हो गया, ठीक है, ये ही नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड, ठीक है।
और इसके और भी नाम हो सकते हैं, तो अगर इसका और भी नाम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, एथेनॉइल, ठीक है, एथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा, ये भी इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नेम है, ठीक है। वैसे आप लोग इन चीज़ों को नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद पूरा रिएक्शन लिखता हूँ और सारी चीज़ें मैं समझा ही चुका हूँ। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं फटाफट से, उसके बाद मैं इन चीज़ों को इरेज करूँ, फिर आगे की चीज़ों को समझाऊँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, ओके, मैं साइड हो चुका हूँ। अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो चल रहा है, ओके, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूँ, चलिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करते रहिए एंड कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग अपने नोट्स को बनाएंगे नहीं तो बाद में आप लोग, एंड एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप पढ़ते चल रहे हैं जरूर लेक्चर का कौन सा नंबर है ये भी अपने पेज पर नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारे फायदे होते हैं। अदरवाइज आप लोग मान लेते हैं आगे चलते हुए रिवीजन करते हैं तो उस सिचुएशन में कुछ भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट उसी लेक्चर पर पहुंचकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब मैं अगर रिएक्शन को लिखने की कोशिश करता हूँ, वैसे कोशिश क्या करना ही है, तो चलिए यहाँ पर मैं अब दूसरा एक कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इससे हमारे पास एक कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ है एंड यहाँ पर हमारे पास सी एल है, ठीक है। इसका हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, पार्शियली रिडक्शन, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, लिंडलार कैटलिस्ट में, यानी कि हमारे पास पी डी, ओके, ओहो, यहाँ पर हमारे पास पी डी एंड बेरियम सल्फेट का प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है एंड यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि पॉइजेंड, ठीक है, पॉइजेंड बाय क्या हो जाएगा, सल्फर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ से यह जो हाइड्रोजन होता है वह इस क्लोरीन को पकड़ता है और बाहर निकल जाता है HCl के फॉर्मेट में एंड हमारे पास क्या बच रहा है, बेंजीन रिंग, ठीक है, एंड ये हमारे पास डबल बॉन्ड्स हो गया, ये हमारे पास कार्बन हो गया एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हो गया एंड सिंगल बॉन्ड एच हो गया और ये हमारे पास पूरा रिएक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही और भी अगर रिएक्शन लिखना चाहें तो आप जो मैंने अभी लिखवाया था उसी रिएक्शन को आप लिख सकते हैं कि हमारे पास CH3 हो गया, देन CHO हो गया, ठीक है, सॉरी CHO नहीं, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl एंड देन हम H2O के H2 से रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ पर हम इसका उपयोग करते हुए या जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास CH3 हो जाएगा एंड CHO मिल जाएगा एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लोग पहले इतनी चीज़ों को नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, एक चीज़ सुनिएगा, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं बेंजोइल, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड हो गया एंड इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, बेंजल डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड इनके नाम तो हमने ऑलरेडी मेंशन ही किया है, इसका अगर हम नाम लिखना चाहते हैं तो इसे हम कह सकते हैं एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल हम कह सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ नोट डाउन करिएगा, इन चीज़ों को पहले स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ तक स्क्रीन में आ रहा है या नहीं, हाँ पूरी चीज़ें आ रही हैं, अब ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, इस मेथड से हम कभी भी फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर सुनिए, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस CH3 के जहाँ पर हाइड्रोजन का उपयोग करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन मैंने ले लिया और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन हो गया एंड यहाँ पर क्लोरीन हो गया, ठीक है। इसका हम लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है और हाइड्रोजन HCl बनाते हुए बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर H जुड़ जाएगा तो HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए तो हम इसे अगर ओरली बात कर रहे हैं तो हम यह तो कह सकते हैं कि हम उपयोग करते हैं मेथेनॉइल क्लोराइड का, तो उस सिचुएशन में हमारे पास मिल जाता है फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनल मिल जाता है। लेकिन जब इसे एक्सपेरिमेंटली करने का प्रयास किया गया तो देखा गया कि ये जो रिएक्शन होता है ये प्रोसीड नहीं करता है,
इसके पीछे का रीजन ये होता है कि ये जो हमारे पास मेथनिल क्लोराइड है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से यह रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके पीछे का रीजन हो गया। तो अब चलिए बात करते हैं, आप लोग इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ओके, तो अब चलिए यहां पर ये हमने एक मेथड को डिस्कस कर लिया, अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं स्टेफंस मेथड के बारे में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। अब चलिए बात करते हैं अपने अगले मेथड पर। हमारे पास अगला मेथड क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा मेथड आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जिसका नाम है स्टीफन रिएक्शन भी लिख सकते हैं, रिडक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी एक रिडक्शन प्रोसेस ही है, एंड ध्यान रखिएगा यह भी एक पार्शियली रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लीजिए ताकि आप लोग कभी भूल ना जाएं, ठीक है। इसे हम कहते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स कहने का क्या मतलब है कि हम इसमें नाइट्राइल्स की सहायता से अपने एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले रिएक्शन में मैंने आपको समझाया ही था कि इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड का हम रिडक्शन कर रहे हैं, या फिर उसकी सहायता से हम एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, पहले सेंटेंस को मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप सभी को सारे रिएक्शंस के बारे में बताता हूं। तो होता कुछ ऐसा है कि व्हेन नाइट्राइल्स, ठीक है, व्हेन नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय, यहां पर आप लोग लिख लीजिए स्टेनस, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड लिख लीजिए, ठीक है। जिसका अगर फार्मूला लिखना चाहे तो यह CnCl2 होता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में, यानी कि HCl के प्रेजेंस में यह रिडक्शन हो रहा है। तब हमारे पास मिलता है, ठीक है, एक हमारे पास ऐसा कंपाउंड मिलता है ईल्ड्स, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए टू गिव, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास मिलता है आईमीन, ठीक है, एमीन नहीं, यहां पर आईमीन मिलता है, जिसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस यील्ड्स, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास मिलता है एल्डिहाइड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। यहां पर हम हाइड्रोलिसिस भी कराते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि यह स्टीफन रिएक्शन है, और यहां पर हम रिडक्शन कराते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि यह स्टीफन रिडक्शन है, ठीक है। और आप सभी के एग्जाम में इस नाम से भी पूछा जाता है कि एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करिए नाइट्राइल्स की सहायता से, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि नाइट्राइल्स की सहायता से अगर हमें एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन करना है तो हमें स्टीफन रिएक्शन को लगाना रहता है। तो पूरा प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस है, आइए बात करते हैं, चीजों को समझते हैं। अगर हम इसे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एल्केन नाइट्राइल है, ठीक है, एल्केन हमने नाइट्राइल्स को ले लिया, ठीक है। या फिर इसी को ही आप कह सकते हैं कि हमने क्या किया, साइनाइड का उपयोग कर लिया, ठीक है, हमने क्या किया, साइनाइड का उपयोग किया। अब इस साइनाइड का हम क्या करते हैं, हम रिडक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, हम यहाँ पर SCNCl2 एंड HCl के प्रेजेंस में यह रिडक्शन होता है, और साथ ही साथ हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और हाइड्रोलिसिस मतलब H2O/H+ या फिर आप H3O+ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास मिलता है एल्डिहाइड, ओके, क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, आइए बात करते हैं। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, इसका हम मैकेनिज्म भी देखेंगे, क्योंकि इसका ही मैकेनिज्म आप सभी के एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों पर हम बात करते हैं, लेकिन उन चीजों पर बात करने के लिए एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एल्केन नाइट्राइल्स पर बात करते हैं तो चलिए इस बार मैं एक छोटा सा नाइट्राइल ले लेता हूं, जिसे हम कहते हैं CH3, एंड यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेते हैं सी, एंड ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास N है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास मेथिल साइनाइड है, ठीक है, चलो नाम भी लिखता चलता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि नाम से भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है।
तो इसको हम क्या कहते हैं, मेथिल साइनाइड भी कहते हैं। ठीक है, दो कार्बन की वजह से इसको हम कह सकते हैं एसिटो नाइट्राइल। ठीक है, और यहां पर और इसका क्या नाम हो सकता है, ठीक है, और भी नाम हो सकते हैं लेकिन फिलहाल इतने ही नाम से हम काम चला लेते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम SN2, ठीक है, SNCl2 एंड HCl के साथ रिएक्शन जब कराते हैं, ठीक है, तो जब हम ऐसा रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि यहां पर हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, आयमीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में कैसे प्रोसेस होगा अभी मैकेनिज्म में मैं समझा दूंगा, बस यहां पर अभी ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम ले लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास CH3 एंड यहां पर CH डबल बॉन्ड NH होता है। ठीक है, रिडक्शन हमने कराया है, रिडक्शन हम जब कराएंगे तो हमारे पास यहां पर क्या होता है कि इससे दो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं वो इसके एक पाई बाउंड को तोड़ देते हैं। दोनों पाई बाउंड नहीं टूटा है, इसलिए मैंने बोला है पार्शियली रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ही पाई बाउंड टूटता है और जब एक पाई बाउंड टूटता है तो इसका हमारे पास जो दोनों हाइड्रोजन आए रहते हैं वो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, एक नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। अभी मैकेनिज्म समझाऊंगा तो वहां पर आपको चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, और जब वो जुड़ते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं आयमीन। ठीक है, क्या बनता है, आयमीन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, तो अब इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब क्या होगा पूरा रिएक्शन, आइए ध्यान दीजिए, चीजों को समझिए। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तो यानी कि H2O / H+ के रूप में बाहर होगा। ठीक है, आई मीन हाइड्रोलिसिस होगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारे पास NH ग्रुप है एंड यहां पर हमारे पास H2 है, और NH जो होता है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जो बहुत ही इजीली लीव कर देता है, यानी कि लीविंग ग्रुप होता है। तो यह जो NH होता है वह इस H2 के साथ रिएक्शन करता है और NH3 बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहां पर हमारे पास यह जो ऑक्सीजन होता है वह इस डबल बॉन्ड की सहायता से जुड़ जाता है। कहने का यह मतलब है कि यहां पर CH3CHO का फॉर्मेशन हो जाता है और इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं एल्डिहाइड है। ठीक है, क्या कहेंगे, ये हमारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एंड यहां पर अगर बात किया जाए तो यहां पर दो कार्बन है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया एसिटल डिहाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, क्या हो गया, एसिटल डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर कुछ और भी चीज है, अगर आप जानना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसका हम जनरल रिएक्शन लिखना चाहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ चुकी हैं, अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं चीजों को समझाता हूं, और भी चीजें हमारे पास बची हुई हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, मैं साइड हो चुका हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा तो अब चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर इसका जनरल रिएक्शन लिखने का प्रयास किया जाए, मैं इसे रेज करता हूं क्योंकि इसका हमारे पास कोई उपयोग नहीं है, बस ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। तो अब यहां पर अगर हम एक जनरल रिएक्शन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो जनरल रिएक्शन अगर लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, इस CH3 के जहां पर मैं एक एल्किल ग्रुप उपयोग कर लिया और यहां पर हमारे पास कार्बन से तीन नाइट्रोजन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड की सहायता से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है एंड यहां पर SNCl2 के साथ यहां पर रिडक्शन हो रहा है जिसमें हम HCl के प्रेजेंस में ही रिडक्शन कराते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बनता है, RCH डबल बॉन्ड NH हमारे पास बन जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आयमीन, और इस आयमीन का हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O+ के प्रेजेंस में। तो जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर अगर इसी को ही ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर हमारे पास बन जाता है RCHO। ठीक है, एंड यहाँ पर NH3 बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल मैं नाइट्राइल ही लिख देता हूं। ठीक है, नाइट्राइल है। ठीक है, ये क्या है, एल्केन नाइट्राइल, एंड ये हमारे पास स्टेनस क्लोराइड है, या फिर आप इसी को ही कह सकते हैं कि टिन क्लोराइड है। HCl के प्रेजेंस में यह क्या करता है, आयमीन का फॉर्मेशन करता है और इस प्रकार से हमारे पास एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है।
ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीजों को समझ के होंगे। अगर आप चीजों को समझ चुके हैं तो स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। इसके बाद हम चलिए इस पूरे प्रोसेस का मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है, ये भी एक पार्शियली रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, आप इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो चलिए अब इस रिएक्शन के हम मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। और अगले लेक्चर में हम इसके और भी मेथड्स पर हमें बात करना है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए मैकेनिज्म को पहले मचाते हैं, चीजों को समझते हैं। ओके, तो मैकेनिज्म में हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एज यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट से हम अगर चीजों की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले स्टेप में होता कुछ ऐसा है। क्या है हो रहा है कि हमारे पास स्टेनस क्लोराइड आया, ठीक है, यानी कि SnCl2, और इसका क्या हो रहा है, HCl के साथ रिएक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल HCl के पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर बन जाता है SnCl4 एंड +2H+ हमारे पास क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा और चीजों को समझिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगले स्टेप पर, चलो इस स्टेप नंबर 2 पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्टेप 2, तो स्टेप 2 में हमारे पास क्या है, नाइट्राइल है। ठीक है, चलो हम जनरल वाला अगर लेते हैं तो जनरल वाला भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, तो चलो मैं स्पेसिफिक ही ले लेता हूं। ठीक है, CH3C3BN है। ठीक है, अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे पास 2H+ है। ओके, ठीक है, तो 2H+ हमारा अटैक करने के लिए अगर आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले चीजों को समझाता हूं उसके बाद लिखिएगा आप लोग, ये अभी गलत लिखा गया तो पहले ध्यान दीजिए। अगर यह अटैक करने के लिए आता है, ठीक है, तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का ही था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इस नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जब इस पर माइनस चार्ज आया तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये बात तो सिंपल है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहां पर अटैक करेंगे, नाइट्रोजन पर ही अटैक कर सकते हैं, कार्बन पर तो अटैक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस चार्ज है। तो ऐसे सिचुएशन में तो हम ये नहीं कह सकते ना कि एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ गया। ओके, समझ रहे हैं ना इस बात को, मैंने क्या बोला कि हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, वह पाई बॉन्ड जब टूटा तो इस नाइट्रोजन के पास हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, जिसकी वजह से यह दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये अगर दोनों हाइड्रोजन जो H+ के फॉर्म में है, अगर वो जुड़ने के लिए या अटैक करने के लिए आते हैं तो इस नाइट्रोजन से तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, लेकिन इस कार्बन से एक हाइड्रोजन नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि दोनों पर ही, क्योंकि इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है। तो ऐसे सिचुएशन में एक स्टेप और होता है, और उस स्टेप को ध्यान दीजिएगा क्या होता है। यहां पर एक्चुअली क्या होता है ना कि पूरा रिएक्शन तो हो जाता है, पहले कंटिन्यू रिएक्शन को हम देखते हैं और उसके बाद हम दिमाग चलाते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। तो होता कुछ ऐसा है, अगर यहाँ पर बात किया जाए तो यह जो टिन है, इस पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 है। तो अगर हम बात करते हैं टिन के बारे में तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से यह कहाँ पहुँचा है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुँचा है। तो जब 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुँचा है, यानी कि यह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा। क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, क्योंकि +2 से +4 जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ये बात तो हम जानते ही, वैसे भी ये तो बहुत ही बेसिक बात हो गई। अब बात करते हैं स्टेप 3 पर। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या होता है, चीज़ों को सुनिएगा। स्टेप 3 में अब हमारे पास यह रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और यह जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो CH3CH, ठीक है, यहां पर हमारे पास C एंड ट्रिपल बॉन्ड N होगा। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अटैक करने के लिए आए, अटैक जब किए तो इस प्रकार क्या हुआ कि हमारे पास ये जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड है वह तो ब्रेक हो जाएगा,
जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस कार्बन पर अटैक कर देंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, CH3 एंड हमारे पास C, और इस पर भी माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुँच चुके हैं, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड N, और इस पर भी माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास आयन बना है ये अब हमारे पास हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए तैयार है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों हाइड्रोजन इस रिएक्शन में कूद पड़ेंगे, और जब ये कूदेंगे यानी कि पार्टिसिपेट, हम जिसे फॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे कि ये पार्टिसिपेट किए, तो जब ये हमारे पास एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, दूसरा हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH, और इसी को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, इसी को ही हम नाम दे रहे हैं आयमीन। वैसे नाम में तो कुछ नहीं रखा, लेकिन फिर भी आप लोगों को नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो अब इसका हम क्या कराएंगे, सिंपली हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। तो अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो क्या होगा, तो हाइड्रोलिसिस में होता यह है कि H2O/H+ के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हुआ, तो इस सिचुएशन में यह जो NH है यह एक लीविंग ग्रुप होता है, काफ़ी अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यह NH जो होता है वह इस दो हाइड्रोजन को पकड़ता है और यहाँ पर NH3 बाहर ले लेता है, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पर बचा हमारे पास CH3, देन सिंगल बॉन्ड CH, एंड यहाँ पर ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड है, और यह डबल बॉन्ड अगर बात किया जाए तो किससे है, इस कार्बन से है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ और हाइड्रोजन को मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन हो गया। तो अब इस सिचुएशन में यहाँ से NH और यहाँ से H2 बाहर निकल चुका है, यह केवल ऑक्सीजन बचा और वही ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड बना लेता है, तो यह डबल बॉन्ड की सहायता से यह हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, और ये हमारे पास पूरा मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म है, लेकिन बस यहाँ पर एक स्टेप आपको ध्यान रखना है और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि यहाँ पर जब तक हम ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं चेक करते तब तक हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो H+ तो मिल रहे हैं, लेकिन वो दोनों H+ डायरेक्ट इस सबस्ट्रेट से रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन में एक प्लस चार्ज है, दूसरा हमारे नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है, तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन पहले पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद हमारा पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है, एक दो बार अपने आप से कॉपी में लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नोट्स बना ही रहे होंगे, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें इसके जितने भी मेथड्स बचे हैं उन सभी मेथड को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास 2-3 मेथड बचे हैं अभी, तो उन्हें हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे भी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता हुआ नज़र में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, वैसे समझ में आई ही होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।